हेलो एवरीवन, वेलकम टू सवरीज क्विजिन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खट्टी मीठी आम के लौंजी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए खट्टी मीठी आम की लौंजी बनाना शुरू करते हैं। आम की लौंजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 3 कच्चा आम। वेट में मेजर करें तो ये 300 ग्राम है। आम को सबसे पहले छिलका निकाल के अच्छे से धोया, फिर इसको लंबाई में कट कर लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं। कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद फ्लेम को आप लो में कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून 5 फोड़न और डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ। अब इस मसालों को लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें कि मसालों को जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है। इस मसालों में मैंने 5 फोड़न का इस्तेमाल किया है। 5 फोड़न कैसे बनाया जाता है इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल के एक प्लेट में रख देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। हल्का सा ठंडा होने के बाद एक मिक्सिंग कंटेनर लेंगे और इसके अंदर मसाला डाल के एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मसालों को हमने दरदरा पीसा है। अब हम इस मसालों को साइड में कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद फ्लेम को हम लो में कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और डालेंगे 1/2 टीस्पून 5 फोड़न। अब इस मसालों को 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई होने के बाद इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ कच्चा आम। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और आम को फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इस मसालों को आम के साथ अच्छे से मिला देंगे और इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। ढक्कन हटा के 1 से 2 बार के लिए इसको चेक कर लीजिए ताकि आम जो है वो कढ़ाई के तले में चिपक ना जाए। अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे। आम जो है यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कटोरी पानी डालेंगे। पानी को अच्छे से मिलाएंगे और इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक होने देंगे। 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा देते हैं। यहाँ पे आम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी डाली है क्योंकि ये जो आम है ये बहुत ही खट्टा है। आप आपके स्वाद के अनुसार चीनी डालिए। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसको बॉयल होने देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून मसाला पाउडर जो मैंने पहले बना के रख दिया था। इसको अच्छे से मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको कुक कर लेंगे। 3 मिनट हो चुका है, आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा पतला है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। खट्टी मिट्टी आम की लौंजी यहाँ पे बन के रेडी है। इस गर्मियों में आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। एक बार फिर मुलाकात होगी और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।